भारत का निर्माण करने के लिए, विज्ञानवादी भारत का निर्माण करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करने के लिए, भारत में प्रजातंत्र की महत्ता को समझाने के लिए, भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता प्रस्थापित करने के लिए, संविधान दिवस निर्मित संविधान बचाओ जन जागृति परिषद का आयोजन 23 नवंबर शनिवार को इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में किया जा रहा है। आयोजन में प्रमुख वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपत्र एवं भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजरत्न अंबेडकर उपस्थित होंगे। विशेष अतिथि के रूप में बामसेफ एवं बेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख चंद, इंदौर जिला कलेक्ट्रेट लोकेश जाटव, रिटायर्ड एवं समाज चिंतक श्याम सिंह कुमरे, शिक्षाविद डॉक्टर शोभा शुद्राज, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत जाधव के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य अतिथिगण उपस्थित होंगे। इसी विषय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा के संयोजक मुकुल बाग ने बताया कि कार्यक्रम पश्चात सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जा रहा है तथा इस अवसर पर समस्त सहयोगी अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन द्वारा माननीय राजरत्न अम्बेडकर को भी भीम रत्न अवार्ड भी दिया जाएगा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी को भी सम्मानित किया जाएगा। संविधान दिवस के निमित्त 23 नवंबर को इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह सभागृह में आरएनटी मार्ग रिगल चौराहे के पास समय 3:30 बजे से संविधान बचाओ जनजागृति परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रपोत्र एवं भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न अम्बेडकर जी आ रहे हैं। साथ ही बामसेफ एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख चंद जी आ रहे हैं, इंदौर कलेक्टर माननीय लोकेश जाटव जी आ रहे हैं, साथ ही IAS शिव सिंह कुमरे जी आ रहे हैं। इनके साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े एवं अधिकारी कर्मचारी संगठनों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी संगठनों के नेतागण और अंबेडकरी विचारधारा का के समर्थक अंबेडकरी चिंतक इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन का नाम आपने जनजागृति परिषद दिया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जनजागृति? हम लोगों को संविधान के प्रति जागृत करना चाह रहे हैं। जो आरक्षित वर्ग है उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ सरकार किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, किस प्रकार से सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उनके संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, इस माध्यम से हम लोगों को जागृत करना चाहेंगे। साथ ही लोगों को हम जागृत करेंगे कि भारतीय संविधान में उनके सामाजिक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनको वो किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, इस विषय पर हम उस पर बात करेंगे। आपका नाम? मैं मुकुल वाघ, संयोजक संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा।